नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं मेरे साथ झलको गोपालगंज। गोपालगंज से अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीच सड़क पर शराब की बोतल बिखरी हुई नजर आ रही है और लोगों में शराब लूटने का होड़ मचा हुआ है। इसी बीच एक पुलिस कर्मी के पॉकेट में भी शराब की बोतल नजर आ रही है। ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरा मामला गोपालपुर के समेरा मोड़ की बताई जा रही है। दरअसल इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि यहाँ पर सुबह सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाना के बनिया छापर में छापामारी कर 25 बोतल देसी शराब बरामद किया था। इस मामले में बड़ाड़ा पंचायत के मुखिया को हिरासत में ले लिया गया था। मुखिया को कस्टडी में ले जाने से नाराज लोगों ने समेरा मोड़ जाम किया था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। यहाँ पर यूपी के दो तस्कर बाइक से शराब ले रहे थे, लेकिन गोपालपुर के लोगों ने उनको जाने से रोक दिया, जिसके बाद धरना पर बैठे लोग और बाइक सवार तस्करों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इतनी देर में तस्करों के पास रखी शराब की बोतल भी बिखर गई। इस बीच दोनों तस्कर पुलिस को देखते ही फरार हो गए। उधर पुलिस भाग रही तस्करों को पकड़ने में जुट गई। इधर लोग शराब को लूटने में लग गए। जिसको जितनी शराब की बोतल हाथ लगी वो लेकर उसे भागने लगा। इस बीच वहां खड़े एक शख्स ने पूरी घटना कर एक वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस किस तरह पुलिस की गैर मौजूदगी में शराब लूटने की होड़ मची हुई है। इतना ही नहीं, वीडियो में शराब की बोतल एक पुलिस कर्मी के पॉकेट में भी रखी हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर सोशल मीडिया अलग अलग टिप्पणियां कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।